नमस्कार, परसों.com की किचन में आपका स्वागत है। आज बचे हुए चावल से हम आपको कुछ टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता बनाना बताऊंगी। चावल सभी के घर में कभी सुबह या शाम को बच ही जाते हैं, लेकिन फ्रिज में अगर उसे रख दे तो हार्ड हो जाते हैं, फिर खाए नहीं जाते हैं। तो ऐसे चावल से हम कुछ टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे हम पीस लेते हैं। सबसे पहले चावल को मिक्सी में डाल देते हैं। चावल इसमें हम 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और इसका हम एकदम बारीक पीस के पेस्ट जैसा बना लेंगे। ये देखिए, एकदम अच्छा बारीक हमने इसको पीस के तैयार कर लिए। बहुत आसानी से ये पीस जाता है। इसे किसी बड़े बर्तन में हम निकाल लेते हैं, जिसमें बाकी की चीजें भी हम मिलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन गया इसका। इसमें बाकी की चीजें मिला लेते हैं। 1/4 कप हम इसमें सूजी मिलाएंगे, नॉर्मल सूजी है जो हम घर में यूज करते हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक और हरी मिर्च को चॉप करके ले लिया है। 1 बड़े साइज की हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने चॉप कर लिया था। 1 बड़े साइज का प्याज हमने एकदम बारीक काट के लिया है, मिला देते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने नारियल को कद्दूकस करके लिया, ये भी डाल देते हैं। और 1/4 कप के करीब हमने हरी धनिया इसमें काट के डाली है। हरी धनिया अच्छे से डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सब कुछ मिक्स हो गया। बाकी के मसाले हम इसमें मिला देते हैं। स्वाद अनुसार नमक मिला देते हैं, थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं, 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, 2 चुटकी हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें समूचा जीरा डालेंगे। बस इतने ही मसाले हम इसमें डालने हैं। ये देखिए सब कुछ हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले और सब्जियां जो हमने इसमें डाली है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिश्रण हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इससे हम कुछ टेस्टी सा बनाते हैं, जिसमें बहुत ही कम तेल लगे और बहुत ही अच्छा सा टेस्टी भी लगे। इसे हम बनाएंगे वड़े। वड़े वो भी हम इसे अप्पे के पहले बनाएंगे, जिसमें बहुत ही कम तेल भी ये सिक्के तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास अप्पा पैन नहीं है तो आप किसी नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। गैस हम ऑन कर देते हैं। ये हमारा अप्पे बनाने का पैन है। इसमें हम सारे ये जो छेद हैं इसमें हम तेल लगा के चिकना कर लेते हैं और इसे हम गर्म हो जाने देते हैं। हाथों में हम हल्का सा तेल लगा लेते हैं और छोटे छोटे से इसके हम नींबू के साइज के इस तरह से गोल बना के ले लेंगे। ये देखिए, चाहे तो आप इसे इसी तरह से गोल गोल बना के सेक सकते हैं या फिर इसे आप वड़ा के आकार दे सकते हैं। उंगली से बीच में इस तरह से छेद कर दें और ये वड़े जैसा बन जाएगा। ये देखिए, छेद करने से ये अच्छे से अंदर से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। इसे हम अप्पे के पैन में लगाते जाते हैं। अगर आपको हाथ से छेद करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ इस तरह से डंडी ले लें या पेंसिल या पेन कुछ भी लेके इस तरह से इससे भी बहुत आसानी से बन जाता है। सारे इसी तरह से बड़े हम बना के अप्पे के पैन में लगाते जाते हैं। ये देखिए सारे पैन में जितने भी छेद हैं सब में हम एक एक करके और अप्पे में ये बड़े बना के लगा देंगे। देखिए सारे हमने बड़े इसमें लगा दिए हैं। हम इसमें ऊपर से हल्का हल्का सा, बहुत ही हल्का सा कुछ ड्रॉप तेल की डाल देंगे, जिससे ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाए। ढक्कन हम बंद कर देते हैं और 1 मिनट तक हम इसे सिकने देते हैं। आंच हम मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे, क्योंकि ये चावल के हैं तो थोड़ा सा चिपकते हैं। एक तरफ से सिक जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन सब तरफ से ये सिक गए हैं। सिक गए उसे हम निकाल लेते हैं, बाकी के भी लगा देते हैं। ये देखिए हमारा बचे हुए चावल का इतना टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार है। आप भी इसे घर में बनाइए। आपने देखा कितनी आसानी से टेस्टी नाश्ता बन जाता है। आप इसे हरी धनिया की चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।